देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा, केवल ये हमारी लैब के सैंपल्स नहीं और एक दिन के सैंपल्स नहीं हैं जिसकी जांच में स्थिति आई है। हमारे 608 सैंपल गए हुए हैं, पुडुचेरी जो है उसकी लैब में गए हुए हैं, और इसके अलावा हम लोग ने 800 के करीब सैंपल्स जो हैं प्राइवेट लैब जो हमारे यहाँ सुपरा टेक की लैब है उसको दिए हुए हैं, जो कि अहमदाबाद की लैब में ले जाके उसकी जाँच कर रही है। तो कल जो 165 पॉजिटिव डिक्लेयर हुए हैं कल, जो उसमें से 28 ही केवल ऐसे हैं जो हमारी सीबीनेट और एमजीएम लैब की जो दोनों से पॉजिटिव आए हैं, शेष 137 पूरे जो हैं वो पुडुचेरी की लैब के और अहमदाबाद की लैब के हैं। और ये सैंपल्स वो सैंपल्स हैं जो लगभग पिछले 8 से 10 दिनों में जो पेंडिंग होते गए थे, क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत आ रहे थे और अपने पास जो क्षमता हमारी थी हम उसके हिसाब से पूरे कर रहे थे 400 450, लेकिन उसके बाद जो पेंडिंग होते जा रहे थे। तो ये बेसिकली कंटेनमेंट एरिया के सैंपल्स इसमें हैं, क्वारंटीन के हैं, और इसमें कुछ दीगर जिलों के भी सैंपल्स गए हैं, वो उसके यही सैंपल्स बेसिकली बाहर गए थे और उनमें से ये सैंपल की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। तो इसलिए मैं, जैसा मैंने बताया, केवल 28 सैंपल्स हमारे फ्रेश सैंपल्स हैं जो कि डे टू डे बेसिस पर हम जांच कर रहे हैं, उसमें केवल 28, और उसमें पॉजिटिविटी का प्रतिशत भी जो है वो करीब 12% के आसपास है, और जो पुडुचेरी और अहमदाबाद से जो आया है, जो पुराने सैंपल्स का है, वो लगभग 20% है।